हेलो दोस्तों, तो आज की पेंटिंग का टॉपिक है क्लीनलीनेस। ओके, और तुम पता है इसे चाहो तो जैसे इसमें मैंने क्लीनलीनेस में दिखाया है कि हमारा अर्थ है, हम उसको क्लीन कर रहे हैं, पर ऊपर जो हमारा पॉल्यूशन लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। जैसे कि मैंने स्पीडोमीटर बना रखा है ऊपर, और स्पीडोमीटर में ना आगे की ओर जैसे उसमें कांटा होता है ना, जो आगे की ओर लास्ट में चला जाता है 100 की स्पीड, 80 की स्पीड, तो हम उतनी स्पीड से, बहुत ज़्यादा स्पीड से पोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरा मेन पेंटिंग का ये थीम है, ठीक है? और इसमें ना मैंने एनर्जी रिसोर्सेस वगैरह भी दिखा रखे हैं, तो तुम सेव एनर्जी पे भी बना सकते हो इसको। बस एक आदमी बस तुम्हें हटाना होगा वहाँ से, जो मैंने एक काले कलर में एक आदमी बनाया है जो कि क्लीन कर रहा है इसको, अर्थ को। तो अगर तुम उसको हटा दो तो बस तुम्हारा बन जाएगा। देखो ये स्पीडोमीटर बना दिया मैंने ऊपर, अर्थ के ऊपर, ठीक है? तो तुम यार, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं जिस टॉपिक पे बनाता हूँ तुम बस उसी टॉपिक पे ही बना सकते हो इस पेंटिंग को। तुम थोड़ा सा उसमें कुछ चेंज करके, मतलब जैसे आदमी हटा दिया तुमने, या फिर बैकग्राउंड में कुछ और बना दिया, उससे तुम डिफरेंट टॉपिक पे भी बना सकते हो सेम आइडिया को लेके। ओके, अब देखो, अब जो मैं बैकग्राउंड में जैसे ब्रश चला रहा हूँ, तुम्हें ना बिल्कुल यहाँ पे ना वैसे ही चलाना है। और ध्यान से देखना, मैं लास्ट तक ब्लेंडिंग करता रहता हूँ कलर की, जब तक कि कलर बिल्कुल प्रॉपरली मिक्स नहीं हो जाता, ठीक है? तो तुम्हें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि पेंटिंग में यही सारी चीज़ें देखी जाती है कि इस बंदे ने ब्लेंडिंग बिल्कुल ढंग से करी नहीं करी। जब हम टेक्सचर भी देते हैं ना, उस वक्त भी हल्के हल्के हमें कहीं कहीं ब्लेंडिंग देनी पड़ती है, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है बस, ठीक है? जैसे अभी देखना, इस तरफ ना मैं थोड़ा सा टेक्सचर वाला बैकग्राउंड करूँगा, लेकिन इसमें भी ना मैं मिक्सिंग थोड़ी सी रखूँगा। तुम ध्यान से देखना बस इस वाले पार्ट को, और इसमें मेरे ब्रश चलाने की टेक्निक देखना, मैं ब्रश कौन सा यूज़ कर रहा हूँ और कैसे चला रहा हूँ ब्रश। ओके,
देखो मैं जो ये पूरा पार्ट कर रहा हूँ ये तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ना अभी मैं ना एक चीज़ करूँगा, हाथ जो नीचे बना रखे हैं मैंने वो मैं ग्रे कलर में बनाऊँगा। और ग्रे कलर में बनाने का ये रीज़न है क्योंकि जब तुम कलरिंग करोगे ना कभी भी, तो ग्रे और कलर का कॉम्बिनेशन ना बहुत अच्छा आता है, मतलब ब्लैक एंड वाइट और कलर का कॉम्बिनेशन, जो डिफरेंट कलर्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा आता है। ठीक है, तो कभी भी तुम पोस्टर मेकिंग में ना ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देखो यार तुम्हें एक बहुत पते की चीज़ बताता हूँ मैं, जैसे तुम कभी भी कलरिंग करते हो तो तुम मेरे से पूछते हो, अक्सर बंदे पूछते हैं कि यार आपने यहाँ पे कलर्स कौन से यूज़ करे वो बता दो मुझे ये वो। ठीक है, लेकिन यार पता है तुम्हें सही बता रहा हूँ, इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती ये पूछने की, क्योंकि ना तुम जैसे मान लो मैं यहाँ पे जैसे ग्रे हाथ बना रहा हूँ ना, तो इस पर मैं पता तुम्हें रेड भी यूज़ कर सकता था डार्क पार्ट के लिए। ठीक है, तो तुम्हें ध्यान ना ध्यान बस क्या देना होता है कि ये बंदा लाइट कहाँ पे कर रहा है और डार्क कहाँ पे कर रहा है और मीडियम टोन कहाँ डाल रहा है, मतलब तुम कलर के टोन्स देखो कि कहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ बस। तुम ये मत देखो कि कलर कौन सा यूज़ कर रहा है ये, अब तुम्हें पता नहीं लगा कि मैंने कलर कौन सा यूज़ किया तो तुम वहाँ पे अब कर ही नहीं पा रहे, ऐसे कुछ ये डरने की बात नहीं है, तुम कोई भी कलर यूज़ कर लो उसमें क्या हो गया। ठीक है, तो खुद पे मतलब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि तुम मतलब कौन सा कलर यूज़ कर रहे हो, कहाँ क्या कर रहे हो। ठीक है, ये कुछ ये मत सोचा करो। और हाँ तुम्हें एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे जब मैं कलरिंग कर रहा हूँ ना तो ब्रश चलाने का तरीका देखो मेरा, देखो मैंने एक नंबर वाला ब्रश यूज़ करा हुआ है इस पूरे में, और मैं ब्रश बिल्कुल ना थोड़ा ब्रश पे प्रेशर डाल के हल्का हल्का ना कलर को थोड़ी थोड़ी दूर के लिए राउंड राउंड मिक्स कर रहा हूँ, मतलब ब्रश राउंड चला रहा हूँ और कलर मिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि ना ये थोड़ा जब इस वाले टेक्सचर मतलब इस वाले तरीके से तुम जब करते हो ना कलरिंग, तो कलर की मिक्सिंग बहुत प्यारी आती है तब, जैसे हल्के हल्के स्पेस पे राउंड राउंड चलाओ पतले ब्रश से, तो वो वाला बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब आता है, उससे मिक्सिंग बहुत अच्छी आती है। ठीक है, देखो अब हमारा अर्थ जैसे पॉल्यूटेड है, तो इस पे ना तुम कोई भी कलर मारो, तुम बेशक हाथ लो हाथ से ऐसे ऐसे करके कुछ भी मार दो। ठीक है, तुम्हें ना मतलब ज़्यादा ये नहीं देखना कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे इसने ऑरेंज करा है तो ऑरेंज करो, यहाँ पे येल्लो करा येल्लो करो, है ना, तुम्हें ये सब कुछ नहीं देखना, बस सीधा कलर मारते चलो बस इस पे। ठीक है, और लास्ट में बस तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है इस पे कि ये यहाँ पे मतलब मैं हल्के कलर्स कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ हल्के करूँगा ना वहाँ पर लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही होती है, तो उस जगह मतलब हमारा लाइट होना ज़रूरी है, बस ये सारी चीज़ें होती हैं, बाकी तो तुम कलर कोई भी कर सकते हो, पर जैसे कुछ हल्के कलर्स होते हैं कुछ डार्क कलर्स होते हैं, तो डार्क कलर्स डार्क वाले जगह पे करो और कोशिश करो हल्के कलर हल्के वाली जगह पे करो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट में जब बहुत ज़्यादा लाइट दिखाना हो तुम्हें तो वाइट मिक्स कर दो या येल्लो मिक्स कर दो। ठीक है, तो बहुत आसान चीज़ें हैं तुम कर लोगे। अब जैसे देखो हाथ है मेरा, तो हाथ के बीच में तो शेडो आएगी ना वहाँ पे, जैसे हाथ के जस्ट ऊपर शेडो तो आएगी ना, तो वो शेडो दिखाने के लिए देखो मैं डार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। अब इस डार्क के लिए तुम यहाँ पे जैसे जो भी डार्क कलर्स होते हैं, वॉयलेट हो गया, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, तो ये सारे तुम यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ यूज़ वही करो।
देखो इधर जो मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बनाया है, तो ये वो सारी चीज़ें जो हमारे प्लैनेट को क्लीन करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। तो ये मतलब मेरा क्लीन प्लैनेट पे भी हो गया और सेव एनर्जी पे भी हो गया। और देखो इधर ये मैं बना रहा हूँ कि पॉल्यूशन हमें नहीं करना चाहिए राइट साइड, तो ये पॉल्यूशन का भी हो गया हमारा, मतलब सारी चीज़ें एक तरह से कवर हो गई इसमें। ओके, तो तुम बिना डरे किसी भी टॉपिक पे बना सकते हो, ठीक है, कोई तुम्हारा गलत नहीं काटेगा। और जैसे तुम्हें अब क्लीन इंडिया पे बनाना है तो तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अब तुम्हें सेव नेचुरल रिसोर्सेस पे बनाना है तो ये जो मैंने आदमी बनाया है तुम ये हटा सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो मतलब तुम खुद से थोड़ा सोच सकते हो यार, है ना, जैसे सोच सकते हो ना बस, ठीक है। अब देखो अब ये बहुत सिंपल सिंपल सी शेडिंग दे रहा हूँ मैं, तो वो तुम दे देना, ओके। और अगर तुम ये पेंटिंग बनाओ तो मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर सेंड करना, मैं वेट करूँगा इसका। और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ और एक चीज़ यार, लास्ट सबको यार बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि यार मेरे 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट एम है मेरा 3000 का, तो तुम मुझे पता है वो भी करवा दोगे। थैंक यू सो मच इतने करवाने के लिए, और ऐसी सपोर्ट करते रहो, आगे और अच्छी वीडियोस आएंगी। और बीच में आवाज़ आ गई, वो यार कट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत मेहनत से बोला है मैंने, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय।